हाँ नमस्कार दोस्तों, लास्ट टर्म पे अपने थ्योरी का ही बात किया था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कार्बिन, नाइट्रीन, जिसको हमने कहा था आगे भी कई बार चीज़ें आएंगी। आज भी हमारा थ्योरी का पोर्शन है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल, लेकिन आते हैं। ये खास चीज़ें ये हैं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पूछा जाता है, तो कई बार से हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे, कई बच्चे कन्फ्यूज में क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो आज उसका अपने काम फाइनल करेंगे क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ लिखा है अभिकर्मक की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रिएजेंट, नेचर ऑफ रिएजेंट शुरू करेंगे। टोटली थ्योरी है, आधा घंटा इस पर बात करी जाएगी, फिर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर की बात करी जाएगी, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ रिएजेंट ये दो टाइप का होगा, पहला इलेक्ट्रो फाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और इसका न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक से नहीं। हाँ, इसको मॉड्यूल से आप चाहो तो इसको कंसल्ट कर सकते हो, अभी बता देंगे पेज नंबर, आपको दिखाएंगे भी समय समय पे। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही से आपको सीधे अंदाजा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला ये है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी, और यहाँ क्या हो गया ई, मतलब अटैक किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल लिखो, यह एक हाँ पेज नंबर आपको कंसल्ट करना होगा, तो मॉड्यूल के पेज नंबर आप चले जाना 285 पे, मॉड्यूल के पेज नंबर 285 पे अभिकर्मक की प्रकृति के नाम से दे रखा होगा। चलिए बात करते हैं, लिख लो इसमें, या एक धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, यह एक धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, ठीक है, या एक धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। किस पे अटैक करेगा, माइनस पे, या दो प्रकार का होगा, या दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, पहला आवेशित चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा उदासीन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यह दो प्रकार का होगा, पहला चार्ज्ड, ब्रेकर लिख लो, आवेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आवेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और यहां लिख दो उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आवेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दूसरा उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, आवेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आवेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, आवेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है ना, लिखो आवेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लिखो सामान्यता धन आवेशित, सामान्यता धन आवेशित, यहां सामान्यता सभी धनायन, सामान्यता धनायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सामान्यता धनायन, कैटायन की बात हो रही है, सामान्यता धनायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लिखा
सामान्यतः धनायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एग्जाम्पल NO प्लस, NO2 प्लस, CS3 प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, C6H5 N2 प्लस एटसेट्रा। सामान्यतः धनायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें अपवाद ध्यान से सुन लो, अपवाद एक्सेप्शन जो मन करे वो लिख लो, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एन ए प्लस, एस थ्री ओ प्लस और जनरली एन एच फोर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट की वजह से, ठीक है ना। तो पहली बात बता दी, सामान्यतः धनायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल लिख दी, और सारे इसमें ये अब यही क्वेश्चन बन जाएगा, एन ए प्लस, एस थ्री ओ प्लस, एन एच फोर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। बोलो बेटा, ठीक, एक पॉइंट हो गया। दूसरा हेडिंग डालो, उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं। उदासीन इलेक्ट्रोफाइल उदासीन इलेक्ट्रोफाइल उदासीन इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? उदासीन इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? ठीक है, देखो इधर देखो, जब इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन से आठ इलेक्ट्रॉन से कम हो तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हो जाएगी, और वो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन से नहीं की तरह, जैसे देखना है इधर बी सी एल थ्री, बी सी एल सी एल सी एल, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक दो तीन चार पाँच छः, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। बी एफ थ्री, एफ एफ एफ, एक दो तीन चार पाँच छः, क्या हो गया? सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ए एल सी एल थ्री, ये भी किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ध्यान से देख लो, आप इलेक्ट्रॉन के लिए ना आठ इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, ठीक है। बोलो मिटाएं, मिटा दें, या एक पॉइंट इसमें और आ सकता है। जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो तो भी, जैसे ये है CO2, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस, और ये क्या है? प्लस है, ठीक है ना भाई, ये ऐसे हो गया सी डबल बॉन्ड ओ प्लस और यहाँ ओ माइनस, ये भी किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसका जिक्र कहाँ पे है? 12th चैप्टर में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, इसका कोल्बे रिएक्शन में, कोल्बे में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, कोल्बे रिएक्शन में इसका जिक्र है कि CO2 एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। तो ये भी किसकी तरह होगा? इलेक्ट्रॉन से नहीं, ठीक है। बोलो मिटा दें। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या बात हुई? आवेशित, ये दो प्रकार का होगा, आवेशित और उदासीन। आवेशित जिस पर सामान्यता क्या हो? धन आवेश हो, सामान्यता क्या हो? धन आवेश हो, और उसमें एक्सेप्शन क्या है? एन ए प्लस, एन एच फोर प्लस, एस थ्री ओ प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। उदासीन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होगी, और एक CO2 वाला बताई दिया कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से हो। अब हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही। या एक लिखो, लिखो इसमें, या एक ऋणावेशित स्पीसीज है या एक
ऋण आवेशित स्पीसीज है या एक ऋणावेशित स्पीसीज है या उदासीन अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र हो या एक ऋणावेशित स्पीसीज है या उदासीन अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र हो, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र, तो ये है न्यूक्लियोफाइल, किसको चाहेगा, प्लस वाले को। डिफिनेशन लिख लिया, नहीं लिखा मॉड्यूल देख लेना। या एक ऋणावेशित स्पीसीज या उदासीन अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र उपस्थित हो, ठीक है। दो प्रकार का होता है यह, या क्या होगा, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला चार्ज्ड आवेशित नाभिक स्नेही, या लिख लिया हिंदी में आवेशित नाभिक स्नेही, न्यूट्रल उदासीन नाभिक स्नेही, आवेशित नाभिक स्नेही, उदासीन नाभिक स्नेही, आवेशित नाभिक स्नेही, उदासीन नाभिक स्नेही। आवेशित नाभिक स्नेही, उदासीन नाभिक स्नेही, हेडिंग डाल दो आवेशित नाभिक स्नेही, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। उदासीन आवेशित नाभिक स्नेही, देखो सामान्यतः ऋणायन, लिखो सामान्यतः, इस लिख लो डिफिनेशन, सामान्यतः ऋणायन नाभिक स्नेही होते हैं, सामान्यतः ऋणायन नाभिक स्नेही होते हैं। एग्जाम्पल CN- RO- RCO- CL- Br- I- etc. इसमें कोई जनरली एक्सेप्शन नहीं है। सामान्यतः जो ऋणायन है वो क्या होंगे, आवेशित नाभिक स्नेही, या हिंदी में लिख लेना आवेशित नाभिक स्नेही, आवेशित नाभिक स्नेही। अब लिखो यहां उदासीन, उदासीन नाभिक स्नेही, ये क्या है आवेशित उदासीन, लिखो उदासीन नाभिक स्नेही, लिखो उदासीन सहसंयोजी यौगिक, लिखो उदासीन सहसंयोजी यौगिक जिसके केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित हो। उदासीन सहसंयोजी यौगिक, उदासीन सहसंयोजी यौगिक जिसके केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित हो, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ROH NS3 H2O, देख रहे हो ना, कम से कम एक लोन पेयर है वो नाभिक स्नेही है। RSH RSR ROR, ठीक है, NS2 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 OH, कितने सारे लिख लो, सब पे एक लोन पेयर है, कम से कम एक लोन पेयर हो, एक हो दो हो तीन हो, मिनिमम सेंटर एटम में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ये सभी क्या है न्यूक्लियोफाइल। स्टार बना के यहाँ लिख लो, नोट करके लिखो, नोट नंबर एक, लिखो कार्बनिक यौगिक, लिखो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, कार्बनिक यौगिक नोट करके लिखना है, नोट नंबर वन, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन बहुबंद के साथ, जिसमें कार्बन कार्बन बहुबंद जुड़ा हो,
बहुबंध उपस्थित हो। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन बहुबंध उपस्थित हो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन बहुबंध हो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन बहुबंध डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच होगा वो क्या होगा? नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू लिखो, इसमें भी लिखो कार्बनिक यौगिक, इसमें लिखो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ साथ नाभिक स्नेही की तरह भी कार्य करता है। ध्यान सुनो, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ साथ नाभिक स्नेही की तरह भी कार्य करता है। एग्जाम्पल CH3C, ऐसे लिख देते रहोगे, RCOOR RCOOR RCONH2 RC ट्रिपल बॉन्ड N एटसेट्रा। देख रहे हो, कार्बन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ साथ नाभिक स्नेही की तरह भी कार्य करता है। किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ साथ नाभिक स्नेही की तरह भी कार्य करता है। अब इस पर कर लेंगे क्वेश्चन और फिर लिखेंगे नाभिक स्नेहता का क्रम। लगभग GOC का काम होगा कंप्लीट, फिर एक इसके सीट के सोल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन लिखो, तो निम्न में कौन इलेक्ट्रोफाइल है, निम्न में कौन इलेक्ट्रोफाइल है? ऑप्शन ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको बता रहे हैं हम। CH3OH देख रहे हो, पूछा है कौन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके पास तो लोन पेयर है, देख लो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं नहीं है। इसके बारे में बात करो, है नहीं है, है नहीं है, ये एक्सेप्शन वाला
नहीं है, ये है, है, है। कार्बन अधिक विद्युतीय परमाणु के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो होगा ही, ये नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह। ऐसे क्वेश्चन कौन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों है, तो ध्यान रखना जब कार्बन, कार्बनिक युग में कार्बन अधिक विद्युतीय परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह कार्य करेगा। क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप से मामले आएंगे, उसमें चार ऑप्शन होगा, आराम से कर देना। अगला मिटा दें इसको। कौन नाभिक स्नेही है, ठीक है लिख लिया, CH3NH2 CH3NH CH3, ठीक है, NO प्लस NO2 प्लस Cl प्लस Br प्लस CH3S CH3 NH2 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 OH, ठीक है ना। एग्जाम्पल H2S, ठीक है ना, ठीक है, ये लिख दिया एग्जांपल। अब देखो कौन नाभिक स्नेही है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, देख लो पहले, देखो क्या देखना है अपने को, नेगेटिव चार्ज हो, एक तो नेगेटिव चार्ज वाले एग्जांपल लिखना चाहिए, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, और न्यूट्रल में कम से कम एक लोन पेयर हो, बस इतना देखना आपको। चलो शुरू करते हैं, लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर, लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर हो, वो कम किसकी तरह काम करेगा, नाभिक स्नेही। बोलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, मिटा दें इसको, यह आपसे सिंपल सी बात करी जा रही है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान से इसको करना। इनमें कौन नाभिक स्नेही के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल भी है, क्वेश्चन समझ गए, निम्न में कौन नाभिक स्नेही के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख रहे हैं इसमें भी 10। CH3CO Cl CH3 C triple bond N CH3 CO O CH3, NH2
ये दिमाग में आपके सेट करना चाह रहे हैं कि आप इसको आराम से देखो, सब वो एग्जाम्पल इतना देख रहे हो ना। कार्बन अगर जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो वह इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ साथ नाभिक स्नेही की तरह भी कार्य करते हैं। ठीक, एक बार नेचर ऑफ रिएजेंट को एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। नेचर ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आवेशित उदासीन, आवेशित जनरली प्लस चार, उसमें एक्सेप्शन क्या है, एन ए प्लस, एन एच फोर प्लस, एच थ्री ओ प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। उदासीन जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो, ये बात तो करी, मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो। फिर आगे न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या हो, निगेटिव चार्ज हो और केंद्रीय परमाणु पर सेंटर एटम पे के पास कम से कम क्या हो, एक लोन पेयर होगा, तो वह क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, नेक्स्ट बात किसकी, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये भी किसकी तरह होगा, न्यूक्लियोफाइल। एक लास्ट नोट नंबर वन इसको कहा था, नोट नंबर टू करके लिखा, जब कार्बन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कार्य करेगा, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। निम्न में कौन नाभिक स्नेही के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही भी है, ठीक है, निम्न में कौन नाभिक स्नेही के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही भी है, ये देखो, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, 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 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, देख रहे हो ना। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं किया, सभी सभी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक स्नेही दोनों है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों की तरह कार्य करेगा, तो वही बात है, बोलो, हो गया, बेटा इसको। अब इसमें मेन मूल एक काम आता है, टेक्निकल मैटर है, वो नाभिक स्नेहता का क्रम क्या आता है, इसको आराम से पोज करके लिख लेना सब चीज, ठीक है। अब क्या आता है, नाभिक स्नेहता का, ठीक है, क्या डालोगे, हेडिंग डालो नाभिक स्नेहता का क्रम, नाभिक स्नेहता का क्रम, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियो सी, ठीक है ना, नाभिक स्नेहता का क्रम, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सी, इस पर बात करेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर होगा। इसमें कुछ रूल रेगुलेशन बताएंगे, पांच है, उसके बाद से अपने मॉड्यूल के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के आधे क्वेश्चन अभी कर पाओगे, आधे क्वेश्चन इस चीज को करने के बाद आधे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना इसी पे काम करेंगे, नाभिक स्नेहता का क्रम नोट करो। हाँ, तो अब बात करते हैं नाभिक स्नेहता के क्रम पे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि नाभिक स्नेहता का क्रम बताइए, ठीक है, इसके रूल बता दे रहे हैं, वही देख लो पहले। फर्स्ट नंबर इन ग्रुप, आवर्त सारणी जानते ही हो, उसमें ग्रुप जो होता है उसके बात हो रही, ये जो भी मैटर हम कर रहे हैं ये सब किस पे कर रहे हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट में, क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, प्रोटिक विलायक, प्रोटिक विलायक मतलब ऐसा विलायक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसे H2O हो, एथेनॉल हो, इस विलायकों में बात कर रहे हैं, ऐसा विलायक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो,
H2O, एथेनॉल, इस टाइप की बात, ठीक है, ठीक है। अब प्रोटिक विलायक समझ गए ना, कुछ ना दिया हो तो प्रोटिक विलायक ही मान के चलना है। अब प्रोटिक विलायक का तो अलग से बता दें। देखो इधर, पहला इन ग्रुप, इन ग्रुप, आवर सारणी में ग्रुप और पीरियड जानते ही हो। नाभिक स्नेहता, न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज। ग्रुप में नाभिक स्नेहता क्या होगी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, देख लो ये है एक दो तीन चार, इसमें क्या बताना है, नाभिक स्नेहता। तो सबसे अधिक किसकी होगी, चार की, फिर तीन की, फिर दो की, फिर एक की, ठीक है ना। और एग्जांपल देख लो, जैसे है आर थ्री पी, आर थ्री एन, नाइट्रोजन, आर आर तो कॉमन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में किसकी अधिक होगी, फॉस्फोरस की। आर एस माइनस, आर ओ माइनस, किसकी होगी, आर एस माइनस। अब यही सुनो इधर, इसी क्वेश्चन में लिख दे अप्रोटिक विलायक में, तो ये आंसर उल्टा कर देना इसका, तब आई अधिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एफ। अगर क्या कहे, अप्रोटिक विलायक मतलब ऐसा विलायक जिसमें हाइड्रोजन बंध नौ और कुछ ना दे रखा हो, तो किसको मान के चलोगे, प्रोटिक विलायक। इसमें भी वही काम, अप्रोटिक दिया हो तो आप उल्टा कर देना, ठीक है बेटा। इसको पहले लिख लो, मिटा दें इसको, ठीक। इन पीरियड, आवर्त में, वो तो क्या था, समूह, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी विद्युत ऋणता के क्या होगा, विद्युत कौन पाती। एग्जाम्पल सी एस थ्री माइनस, एन एस टू माइनस, ओ एच माइनस और एफ माइनस, यही तो है, सी एस थ्री, एन एस टू, ओ एच माइनस, एफ माइनस। किसकी विद्युत ऋणता अधिक है, विद्युत ऋणता का जो क्रम होता है, विद्युत ऋणता क्रम क्या होता है, सबसे अधिक F, फिर O, फिर N, ये तो होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्रम क्या होगा, F, O, N, C, ये तो है, F, O, N, C। तो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी उसकी नाभिक स्नेहता कम होगी, किसमें, पीरियड में, तो ये पीरियड ही तो है CH3NH2, तो सबसे अधिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। अगली बात, प्लस आई, प्लस एच, प्लस एम न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं, प्लस आई, प्लस एच, प्लस एम नाभिक स्नेहता को बढ़ाते हैं। जैसे सी एस थ्री ओ माइनस, एच ओ माइनस, लेकिन ये वन डिग्री के लिए ध्यान रखना, त्रिविम बाधा नाभिक स्नेहता को कम भी करती है, तो अधिक बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो नाभिक स्नेहता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, ओ माइनस है, यहाँ क्या है, O माइनस, यहाँ लगा है ओ सी एस थ्री और यहाँ लगा है एन ओ टू, तो प्लस M नाभिक स्नेहता को क्या करेगा, बढ़ाएगा, चार,
लिखो सामान्यतः, जनरली सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः ऐसे लिख लो, रेजोनेंस, रेजोनेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी नाभिक स्निग्धता को कम करता है। सामान्यतः रेजोनेंस नाभिक स्निग्धता को कम करता है। सामान्यतः अनुनाद नाभिक स्निग्धता को कम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH3O- है और यहाँ रेजोनेंस है, तो इसकी नाभिक स्निग्धता इससे अधिक होगी, ठीक है ना। ठीक है, पांचवा नंबर आवेशित चार्ज्ड की नाभिक स्निग्धता उदासीन से अधिक होगी, उदासीन की नाभिक स्निग्धता कम होती है, ठीक है ना। और नोट करके लिख लो, नोट करके आप ये बात लिख लो, नोट करके लिखो, ये लिख लिया, नोट करके लिखना। त्रिविम बाधा नाभिक स्निग्धता को कम करती है, त्रिविम बाधा नाभिक स्निग्धता को कम करती है, वन डिग्री की नहीं, थ्री डिग्री। जैसे कि ये है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो, त्रिविम बाधा लिख लो, त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंडेंस भीड़ भाड़ नाभिक स्निग्धता को कम करता है। जैसे ये है, क्योंकि अभी एक मैटर लिखा दिया प्लस आई, तो तुम समझो जितना अधिक अच्छा प्लस आई है नाभिक स्निग्धता नहीं। अभी देखना यहाँ ये है, इसकी नाभिक स्निग्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, भीड़ भाड़ बहुत अधिक, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा ये किसी पे। तो त्रिविम बाधा नाभिक स्निग्धता को कम करती है। अब बेटा क्वेश्चन, ये तो हमने पांच रूल लिख दिए, एक नोट करके अलग से लिख दिया, अब कैसे देखेंगे किसकी नाभिक, कुछ कंबाइंड क्वेश्चन लेते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं फिर। जैसे क्वेश्चन लिखो, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी नाभिक स्निग्धता का, जो एग्जांपल लिख दिया वो तो बहुत फेमस फेमस एग्जांपल लिखे हैं अपने। कैसे आपको कंबाइंड कुछ मैटर दिया होगा तो क्या करना, दे सबसे पहले लोगे आप आवेशित वाला, सबसे पहले क्या लेना है, आवेशित, हाँ, और सबसे लास्ट में लेना है उदासीन। और आवेशित में कौन किसको लोगे, पहले प्लस आई, ज्यादा त्रिविम बाधा ना हो, फिर रेजोनेंस, फिर नॉर्मल, ठीक है ना, फिर आवेशित में ही नॉर्मल वाला, फिर अनुनाद वाला, ये लेना आपको। देख लो, जैसे एग्जांपल देखो, इसी के साथ ही देखना, मान लो ऐसे देखा OH- H2O O- CH3O-, देख रहे हो एग्जांपल, एग्जांपल से देखो यहीं पे। अब देखो इधर चार्ज किसके इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे, इसी पे क्या है, चार्ज है, आवेश है। अब सबसे अधिक कौन होगा, फोर, फिर फोर के बाद फर्स्ट, फिर थर्ड, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, उदासीन है, कोई चार्ज नहीं ना। और ये इसमें
CH3O- इसमें क्या लग गया है प्लस आई, तो CH3 और OH- में कौन हो गया CH3, फिर OH- और इसमें क्या है अनुनाद, ठीक है ना। जैसे यहां क्वेश्चन लिख रहे हैं CH3OH, CH3O-, CH3CO-, OH-, ठीक है। अब ऋण आवेश देखो किस पे किस पे है, इन तीनों में ऋण आवेश है, इसमें क्या है अनुनाद है, इसमें क्या है प्लस आई है, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा सेकेंड, फिर फोर, फिर थर्ड और लास्ट में क्या हो गया वन, क्योंकि ये क्या है उदासीन न्यूट्रल, ये क्या है न्यूट्रल उदासीन। देख लो सबसे पहले चार्ज वाला लिया, चार्ज में प्लस आई वाला अनुनाद नाभिक संहिता को क्या करती है कम करती है, ठीक है। अब मॉड्यूल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और फिर स्टेज फोर जो हमने कहा था वो किसकी बात कर लेते हैं। पेज नंबर निकालो स्टेज फर्स्ट का, स्टेज फर्स्ट निकाल लो, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं स्टेज फर्स्ट में, कौन कौन से करने हैं ये बता दें, कुछ इसमें छोड़ने हैं क्वेश्चन, स्टेज फर्स्ट क्या क्या कर, स्टेज फर्स्ट के और तो कर दिए अपने उसमें वीडियो में, स्टेज फर्स्ट कौन कौन से करने हैं 63 करना है, 64 करना है, 65 66 नहीं करना है, 67 करना है, 68 करना है, 70 करना है, 71 करना है, 72 करना है, 73 करना है, ठीक है, 74 करना है, 75 करना है, 76 करना है, 78 करना है, 77 भी कर लेना, 81 करना है, 83 करना है, 85 करना है, 86 करना है, 87 करना है, इतना ही करना है। और जो क्वेश्चन आपने मना किया है वो समझ लेना किससे कनेक्टेड है, रिएक्शन से। तो चलो इस पर कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है जो फेमस फेमस क्वेश्चन है और लगभग अपने एग्जांपल में इसी में ही कर लिया अपने ज्यादातर काम, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाली बातें सब लगभग क्वेश्चन कर दिए हम। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है 78 देखो क्या है CH3O- है, H2O है, OH- है और चौथा CH3CO- है, यही तो है, तीनों पे चार्ज है, इस टाइप की अभी खूब बातें करी थी अपनों ने, ये तीन पे चार्ज है लेकिन यहाँ क्या है प्लस आई, सबसे अधिक हो गया फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सबसे लास्ट में क्या हो गया सेकेंड, क्योंकि सेकेंड क्या है उदासीन, और इसमें बातें कर लोगे सब, ठीक है कर लोगे। तो इसमें लगभग थ्योरी में सब चीज़ें बता दी हैं, उसी को करना है। अभी एक बार स्टेज फोर खोल लो, ठीक है ना, ये कर लेना बेटा है स्टेज फोर, स्टेज फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, स्टेज फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेज फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसका अम्लीय स्वभाव सर्वाधिक है, तो देखो फर्स्ट में पहला तो क्या है फर्स्ट ऑप्शन क्या है एल्कोहल, सेकेंड ऑप्शन भी क्या है एल्कोहल, थर्ड ऑप्शन क्या है फिनॉल और फोर्थ ऑप्शन भी क्या है एल्कोहल, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा फिनॉल, क्योंकि इसमें क्या है फिनॉल, क्योंकि इसमें क्या है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से फिनॉल एल्कोहल से अधिक एसिडिक होता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल, एस्टिक एसिड CH3COH, 2,4,6-trinitrophenol, NO2, इसी का नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। सही बोला, पिक्रिक एसिड। और लास्ट में क्या है? फिनॉल। तो सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा? पिक्रिक एसिड फर्स्ट, फिर सेकेंड, एस्टिक एसिड फिनॉल में एसिड, फिर याद करो सब चीजें लिखी हुई हैं, सब सल्फोनिक एसिड, एसिड, फिनॉल, एल्कोहल, एल्काइन लिखा था ना, तो फर्स्ट ये तो पिक्रिक एसिड है। ये अपने नोट करके लिख सकते हो कि पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एस्टिक एसिड। पिक्रिक एसिड एस्टिक एसिड से भी अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि तीन माइनस एम लग गए ना इसमें, देख रहे हो, माइनस एम, माइनस एम, फिर थर्ड नंबर फिनॉल, और फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? एल्कोहल। थर्ड सेम वही है, फोर्थ वाली बात कल करी थी, इलेक्ट्रोफाइल याद करो, हमने कहा था जनरली प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अपवाद में क्या बताया था? Na प्लस, H3O प्लस, NH4 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सब में H डाल देना, वही एसिड वाला मैटर है, और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट जैसे RCOOH, उसका कॉन्जुगेट RCO माइनस, वो क्या होगा? वीक बेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स छोड़ सकते हो, सेवन कर लोगे, ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड, ट्राई, हाँ, CCl3COH, CF3COH, ट्राइफ्लोरोस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, और फिर फॉर्मिक एसिड। याद करो, ये भी लिखाया था, फॉर्मिक एसिड एरोमेटिक एसिड में कौन अधिक एसिडिक? फॉर्मिक, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड से भी कौन सा अधिक होगा? जिसके साथ क्या लगा हो? माइनस आई, तो सबसे अधिक एसिडिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो जाएगा? फोर। बोलो, क्वेश्चन नंबर एट देखना इधर, ये है, कह रहा है ये एरोमेटिक होगा, ये खुद ही कह रहा है कि एरोमेटिक है, किस वजह से? तो 6p ऑर्बिटल और 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 की वजह से n=1, 7 पाई इलेक्ट्रॉन ले लोगे ना, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा जाता है, ये जो बच्चे पूछते हैं ना अधिक क्वेश्चन, वही अपने तुम्हें यहां पे बोर्ड में, कि ये क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2 CO, CH3 CH3CO, CH2CO, CH3, और ये है CH3COH डबल बॉन्ड CH, CO, CH3, 1, 2, 3। अब देखो यहाँ, डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ क्या है? H बॉन्डिंग, तो ये इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस प्लस क्या हो गया? एच बॉन्डिंग, तो सबसे अधिक कौन होगा? थर्ड। रेजोनेंस है और उसमें क्या है? एच बॉन्डिंग। ये सिंपल क्या है? इनॉल, देख रहे हो ना, ये क्या है? इनॉल, और ये क्या है? कीटो। जनरली कीटो फॉर्म इज, अगर रेजोनेंस नहीं है, सबसे अधिक तो रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद क्या हो जाएगा? कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, कीटो इनॉल से अधिक। ये किस वजह से? रेजोनेंस है और हाइड्रोजन बॉन्ड है, और फिर उसके बाद से कीटो इनॉल से अधिक स्टेबल। 10 नंबर कर लोगे, याद करें, 11 हो जाएगा, 12, 12 नंबर बेसिसिटी, प्लस एम, माइनस एम, बता चुके हैं सभी, बेसिसिटी रेजोनेंस से और CH3NH2 सबसे अधिक, बेसिटी प्लस एम के डायरेक्टली, माइनस एम के इनवर्सली, सही है।
अगली बात कौन सी है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, हाइपर कॉन्जुगेशन बता रखा है, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, उसी में एग्जांपल लिया है इसको। sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए, h। क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सिंपल सी बात है। 15 सबसे पहले क्या देखोगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड सेम है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी, जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम, तो सबसे अधिक हीट ऑफ हाइड्रोजन थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो हो गया। 17 छोड़ देना। 18 एरिलेमीन, वही रेजोनेंस वाली बात है। 19 कर लोगे, 19 देखो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस SP हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया SP। 20 प्लेनर वाली बात हो गई। 20 SP2, तो जो SP2 होगा प्लेनर। 23 में देखो सिंपल से कितने क्वेश्चन है, किसमें कौन अनुनादिक रूप से न्यूनतम स्थिर है, जिसमें रेजोनेंस पूरे रिंग में नहीं है, ये देखो। यहां रेजोनेंस है नहीं है तो ये न्यूनतम स्थिर होगा। 24 इलेक्ट्रॉन्स नहीं के लिए कथन, थ्योरी है पढ़ लेना। 25 वही है, बेसिटी प्लस एम के डायरेक्टली माइनस एम के इनवर्सली। 26 याद करो, एस करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वही वाली है। और दोनों में एस करेक्टर सेम आ गया था एसपी, तो हमने क्या देखा था उसमें, प्लस आई। 27 गोल्डन रूल, बेसिडी का गोल्डन रूल एमीडीन वाला, जितना अधिक डबल सिंगल NH2 है, NH जितना अधिक वही उसका बेसिटी अधिक होगी, और उसके बाद से क्या देखना, एस करेक्टर वगैरह देख के इस पर करना। तो 27 में सबसे अधिक तो सीधे क्या दिख रहा है, सी, सी के बाद आप प्लस आई, फिर एस करेक्टर, ऐसी बातें करना, कर लोगे ये, बोलो। तो ये आपका हो गया, आपका कर लोगे ना, अरे बोलो कर लोगे। तो 27 हो गया, सबसे अधिक सी हो जाएगा, उसके बाद से प्लस आई, फिर क्या देख लेना, एस करेक्टर, ठीक है। तो सी डी ए बी हो जाएगा आंसर इसका। अब बात क्या करनी है, ये तो अपनों ने स्टेज बहुत से, इसमें GOC के ज़्यादातर क्वेश्चन हमने कोशिश किया कि बच्चों का ज़्यादातर क्वेश्चन कर दिए जाए। अब तुम्हें क्या करना है, सुनो, अब टेस्ट है आज, ये GOC खत्म हो गई, अब जो भी चीज़ है वो आगे रिएक्शन से कनेक्टेड होगी तो आगे हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अपने शुरू से इंडक्टिव से शुरू करेंगे काम, माइनस आई का ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर, माइनस एम का ऑर्डर, प्लस एम का ऑर्डर, ये पहले ध्यान रखना है। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन बताई रखा, हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, थ्योरी, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन, सब पे क्वेश्चन होगा, एक एक टकाटक टकाटक सीधे सीधे एक एक क्वेश्चन आते रहेंगे। फिर आगे किस पे, रेजोनेंस, कौन रेजोनेंस शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा, इसकी वीडियो देखना। एरोमेटिक, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल सीधे पढ़ लेना, ज्यादा उस पर तामझाम नहीं करना, ठीक है। फिर बात किसकी करेंगे अपने, एसिडिटी बेसिटी, दो दो लेक्चर है उसमें, आराम से उसको ध्यान से देख। फिर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, आज न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और थ्योरिटिकल मैटर, जैसे कार्बिन बताया, नाइट्रीन बताया, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसकी थ्योरी है, जल्दी से पढ़ लेना, कोई ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है बेटा, इतना काम कर लोगे। ये हमने जाया था, जो जो क्वेश्चन बताए उतना ही कर लो, लगभग सभी बता ही दिए, कुछ 10-15 क्वेश्चन है तो देख लेना, तो लगभग सभी क्वेश्चन कर दिए अपने, आराम से वीडियो ही आराम से देख लोगे तो आपके टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, और नीट का काम तो सुपर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसको कर लोगे ना, चलो टेस्ट के आराम से ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद से एक रिवाइज, दो तीन रिवीजन कर लेना जल्दी जल्दी में, हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी पे लिखने की कोशिश करना बेटा, जो भी पढ़ो कॉपी पे लिखो उसको, हाँ, अपना शानदार नोट्स बनाओ, तो आपके रिवीजन के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। चलो तो टेस्ट है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, शाबाश बेटा।